हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर डीराज राव, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। देखिए, हम MTS 8 जो है फुल सिलेबस पेपर है, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का। ए कंपाउंड मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 4 टाइम ऑफ हाइड्रोजन, वाइल द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इज 1.5 टाइम ऑफ कार्बन, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको कहा है कि कार्बन का जो मास है वो हाइड्रोजन का 4 टाइम है। तो अपन ये कहेंगे कार्बन का जो मास है वो 4 टाइम है इनटू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है कार्बन का 1.5 टाइम है। ऑक्सीजन का निकालें अपन तो वो है 1.5 टाइम इनटू कार्बन, और हाइड्रोजन आपको पता चली गया, हाइड्रोजन का होता है 1 × H। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही अपने को अलग अलग दे रखा है। तो अब आप ये देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर जो कार्बन आ रहा है ना, अब ये कार्बन की जगह आप ये भी कर सकते हो 1.5 × 4 × H, तो ये हो गया 6 × H, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 × H, और ये हो गया आपका। तो अब आप क्या करो, इनका सबका एक रेशियो निकाल लो, ठीक है, उससे आपके पास आ जाएगा, कार्बन आ गया आपके पास 4 × H, तो आप इसमें 12 का डिवाइड कर लो, और ऑक्सीजन आपके पास आ गया 6 H, और यहाँ डिवाइड कर लो 16 का, ठीक है, 6 आ गया ये, और यहाँ ऑक्सीजन में आपने 16 का डिवाइड कर लिया, और हाइड्रोजन आपके पास आ गया, ये हो गया 1 × H/1 का डिवाइड कर लिया, तो आप यहाँ पर ये आ गया आपका 3 H/4, और ये हो गया आपका 3 × 8 H, ये हो गया 1 × H/1, ठीक है। तो ये कर दिया अपन ने, सॉरी, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 1/3 H हो गया, और ये हो गया आपका 3/8 H, ये हो गया 1 H/1, ठीक है। अब जो सबसे मिनिमम है ना उसका डिवाइड कर लो आप, जो मिनिमम है उसका डिवाइड अपन इसमें करेंगे, तो कार्बन तो हो गया 1, और इसका डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया अपना 8, और फिर इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो सिंपल रेशियो देखो क्या आना चाहिए, सिंपल रेशियो आना चाहिए आपका C1H, एक तो 1 हो गया, एक का 3 हो गया, और एक का हो गया आपका 9/8। देखो इसका तो हो गया आपका 1, ये हो गया 9/8, और ये हो गया आपका 3। देखिए कार्बन तो हो गया आपके पास 1, हाइड्रोजन 3, कार्बन हो गया आपका 1, हाइड्रोजन हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया आपका 9/8। अब सिंपल रेशो कर लो, तो इधर अपन करेंगे तो ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 24, और इस टू 9, ये देखो ये रेशो आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं।
52 number, the density of CO2 gas at 27 degree centigrade आपका temperature है. देखो temperature आपके पास है, pressure दे रखा है और density पूछ रहा है, ठीक है. तो density का formula लगा दो बच्चों सीधा. density होता है PM upon RT. density है pressure, molecular mass और RT. तो P की value कितनी है, 1. mass हो गया CO2 का 44 हो गया. गैस कांस्टेंट रख दो 0.082 और टेम्परेचर हो गया 300. इसको सॉल्व कर लीजिए आप. तो सॉल्व करने पर आएगा आपका 1.79 ग्राम पर लीटर. तो आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड, राइट. नेक्स्ट चलते हैं. The average kinetic energy on ideal gas per molecule in SI unit of 25 degree will be. तो kinetic energy बच्चों क्या होती है, kinetic energy होती है 3 by 2 kT. मतलब है वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है. तो 3 by 2 रख दो, वोल्टेज मान कर 1.38 10⁻²³ और टेम्परेचर पुट कर दो. तो ये हो गया 3 by 2 1.38 10⁻²³ इंटू टेम्परेचर रख दो 298. अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा जूल में. तो ये हो जाएगा बच्चों, सोल्व कर लीजिए तो 6.17 इंटू 10⁻²² जूल. तो सेकंड आंसर इज करेक्ट, ये आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट चले, क्लियर है बात, देख लो, चेक कर लो भी. Volume of water needed to mix with 10 ml 10 N HNO2 to get 0.1 N HNO3 each. देखिए इसमें अपने को वॉल्यूम पूछ रहा है, नीडेड टू मिक्स विद 10 ml 10 N HNO2 गेट 0.1 HNO3 ईच, ठीक है. तो आप बच्चों देखो सीधा से क्या है, M1 V1 equal to M2 V2. आप चाहो तो N1 N2 वो भी लगा सकते हो. तो 10 ml है और 10 N हो गया आपका, और इधर आपके पास है HNO2 का मोलरिटी और नॉर्मलिटी इक्वली है, 0.1 रख दो, V2 निकाल लो. तो ये V2 हो गया आपका 1000, ठीक है. तो अपने को वाटर चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा, 1000 माइनस और 10, तो ये हो गया 990 ml वाटर इज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड. तो ये सेकंड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं अपन. The equilibrium constant for the reversible reaction N2 3H2 2NH3 K for the reaction half. देखो बच्चों जैसे मान लो अपने पास पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, और जो नया इक्वेशन अपने को दे दिया हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया इसका, तो इसका जो रेट कांस्टेंट होता है ना के डेस, वो होता है
पहले वाला था के, और उसमें हमारे पास पावर कितना कर दिया, 1/2। तो 1/2 के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दो बस, तो के डेस आ जाएगा आपका। थर्ड आंसर इज करेक्ट भाई। ये वाली इक्वेशन थी, इसमें अपन 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। फिफ्टी सिक्स, इफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली सॉलिड एंड लिक्विड्स, लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो बच्चों देखो इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये एन जी जो आता है वो गैसेस के लिए आता है, यहाँ दिए आपको सॉलिड और लिक्विड, तो डेल्टा एन जी क्या हो गया, जीरो हो गया है, तो डेल्टा एच जो आएगा वो डेल्टा ई के इक्वल हो गया बच्चों। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं अपन। फिफ्टी सेवन, फिफ्टी सेवन लेना था अपने को। हाँ 57 देखते हैं अपन। देखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H6 लिक्विड ग्रेफाइट H2R रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दे रखिए वैल्यू, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ C6H6 इन लिक्विड किलो जूल पर मोल। देखिए, इसका आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है अपने को कंबशन एंथैल्पी दे करके। ठीक है, तो कंबशन एंथैल्पी में बच्चों आपको पता है क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है ना वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, जैसे नॉर्मली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। लेकिन अब इसमें यहाँ पर C6H6 की आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया है, तो बाद में आप वैल्यू निकाल के साइन चेंज कर लेना। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। जैसे अभी आपके पास बेंजीन की रिएक्शन हो रही है, तो C6 आपने लिखा, H6+O2 से बना CO2+H2O, तो रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा आपका, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया 15/2, बैलेंस हो गई। अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लीजिए, C6H6 की कितनी आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे रखी है, -3270। अब प्रोडक्ट में आपके पास है CO2, CO2 का मतलब है कार्बन की दे रखी है आपको, कार्बन से CO2 बनना आपके पास, तो कार्बन की आपके पास कितनी है, कार्बन की आपके पास है -3 9 4 × 6। फिर आपके पास है -286 × 3। अब ये मल्टीप्लाई करो, पहले कितनी आ रही देखो, ये आएगा आपका -48, -48 आ गया आपका। अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि आपको क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, +48 आ जाएगा। सेकेंड आंसर इज करेक्ट। अब इसमें देखो दो तरीके हैं, अब आप अलग अलग, जैसे आपको कार्बन की दे रखी है, पहले कार्बन प्लस ओ टू सी ओ टू लिखो, प्रोडक्ट बनाओ, फिर आप H2+O2 से H2 बनाओ, फिर C6H6+O2 से फिर CO2, ऐसे बनाओ, अलग अलग आप ऐसे ऐड करके भी निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके आपके पास रहते हैं, आप जो चाहो जो ऐसे कर सकते हो इसमें। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन।
58 टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है द फॉलोइंग यूनिट सेल डाइमेंशंस। तो ये बच्चों देखो आपको क्या करना है, याद करने वाला क्वेश्चन हो गया है, सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा हुआ है इसको, सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है कि ए और बी टेट्रागोनल में क्या होता है, जैसे दो थ्री आर्म होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ए और बी तो बराबर होती है लेकिन हाइट बराबर नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो और एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, के एच वैल्यू फॉर ए आर आर्गन सी ओ टू एच सी एच ओ एंड सी एच फोर, अपने को के एच की वैल्यू दे दी और वो पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है आपका के एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी के एच की वैल्यू कम है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो देखो के एच की वैल्यू कम है आपकी फॉर्मेल्डिहाइड का, तो इसका ज़्यादा आएगा। तो थर्ड और फोर्थ में से दिख रहा है मेरे को, और आर्गन आ गया। अब CO2 H2 को चेक कर लो, यहाँ 1.83 ये आ रहा आपका CO2 का, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद में ये आ गया आपका CO2, तो ये आना चाहिए आपका फोर्थ। 59 का देख लीजिए, 59 का सॉरी थर्ड आएगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट। देखो अभी के एच की वैल्यू सबसे कम तो हो गई, पहले तो इसकी आ गई, ये तो आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद में है आपका सी एच फोर है 0.4, उसके बाद है सी ओ टू, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। ये बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ये कम हो जाएगी आपकी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। सिक्सटी में आते हैं, फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। पॉलीप्रोटिक एसिड में बच्चों मोर देन वन कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे मान लो H3PO4 है, अभी अलग अलग स्टेप में आयनाइज होता है H2PO4-1H+, फिर ये फर्दर आयनाइज होगा HPO4-2, फिर H+, फिर ये वापस आयनाइज होगा, इसे ऐसे यहाँ ले लेते हैं, फिर ये PO4-3H+, तो ऐसे इसका K1 है, इधर K2 है, K3 है, तो रिजल्टेंट निकालोगे ना तो K आ जाएगा K1 × K2 × K3, ये नेट कांस्टेंट हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा K1 K2 K3 KN, तो ये सेकेंड आंसर इज करेक्ट। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वो याद करने वाला क्वेश्चन आ रहा है कि CO2 जो है वो कैसा है, एग्जांपल है मोलिकुलर क्रिस्टल होता है भाई, CO2 ड्राई आइस, तो इसको अपन बोलते हैं मोलिकुलर सॉलिड, तो मोलिकुलर क्रिस्टल आ जाएगा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। अब देखिए बच्चों 62 नंबर क्वेश्चन, 62 कह रहा है हमारे पास 2.5 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 फॉर द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कैथोड विल बी। तो आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ना वो एक फेराडे के इक्वल होता है, तो अपन ये कहते हैं 1 फेराडे = 1 ग्राम इक्विवेलेंट, एक फेराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 2.5 फेराडे, तो 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, तो ये आपका आंसर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट 63 में चले,
रिएक्शन दे दिया आपको, ए प्लस बी प्लस सी डेल्टा माइनस 20 किलो जूल रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 85 दे रखी है, तो आपको पूछा है कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो देखिए आप इसको दो तरह से कर सकते हो, फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की, दोनों का डिफरेंस आपका डेल्टा एच होता है। वैसे आप चाहो तो इसको ऐसे ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये डेल्टा एच आपका नेगेटिव आ रहा है, ये इसका मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आपने ऐसे लिख दिया, ये हीट ऑफ रिएक्शन है, ये पाथ ऑफ रिएक्शन है। तो ये आपके पास है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर क्या ज़्यादा है, रिएक्टेंट की क्या है कम आ रही है। तो देखिए प्रोडक्ट की ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक हो गया। अब देखिए आप यही ग्राफ ऐसे ले लीजिए, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, तो डेल्टा एच हो गया आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की ज़्यादा आ रही है आपके पास, प्रोडक्ट की कम आ रही है, इसका मतलब डेल्टा एच हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो अब आपके पास देखो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है, और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड रिएक्शन, और डेल्टा एच निकाल लीजिए। तो डेल्टा एच अपने को क्या करना है, डिफरेंस यहां पर लेना है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डिफरेंस कर लीजिए अपन। तो देखो ये जो गैप आ रहा है आपका, ये तो कितना है सीधा पता चल रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है, और ये वाला गैप आ रहा है आपका 85। तो बच्चों अपने को ये बैकवर्ड वाला निकालना है, तो ये दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों को आप ऐड कर सकते हो, तो ये 105 हो गया। वैसे सीधा दिख रहा है डायरेक्ट, वैसे ही पता चला ये 85 है ये 20 है, तो ये ओवरऑल कितना आपके पास है, ये पूरा का पूरा जो गैप आ रहा है वो आपका 105 किलो जूल आ जाएगा आपका। और आप ऐसे अलग अलग करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आप माइनस 20 85 ई बैकवर्ड और वो 85 प्लस 20 105, तो ये भी आप कर सकते हैं ऐसे। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट, दोनों तरीके आपके पास है, सीधा ग्राफ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइन डायल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH NaCl BaCl2 248 126 280 और देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड के फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो आपको किस में से मिलेगा, एक तो बेरियम क्लोराइड से मिलेगा, तो बेरियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी माइनस, अब आपको क्या करना है OH चाहिए, यहाँ OH कितने दो, तो 2 NaOH करना पड़ेगा आपको, फिर 2 NaCl भी करना पड़ेगा आपको, तब आपको मिलेगा प्रोडक्ट। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी आपके पास है, बेरियम क्लोराइड की सॉरी, पहले NaOH फिर NaCl और फिर ये 280 हो गई, ये 280 माइनस कर लो, और 2 × सोडियम 240 248 और ये हो गया 2 × 126 और ये 10⁻⁴ बाहर कॉमन रहेगा। ये माइनस ये लो, अब सॉल्व कर लीजिए बच्चों इसको, ये आ गया आपका 524 524।
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये आपका आ जाएगा सेकंड आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन है ये, कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन पढ़े हैं आपने, कि जैसे अपने को रिक्वायर्ड है ना, जैसे जिसकी चाहिए वो ले ली और जिसको हमने माइनस करना वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी बच जाएगी रिमेनिंग, सेम ऐसे ही आपको लेना है। ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी, जैसे मान लो मैं इसको म्यू लिख देता हूँ, ऐसे म्यू की लैंग्वेज में ले सकते हो आप इनफिनिटी डायलेशन के ऊपर, तो ये आपका सिक्सटी सिक्स। देखिए बच्चों 66 नंबर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ रहा है, 66 से पहले अपना 65 हो रह गया। हाँ पहले 65 देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट द रिलेशन विद द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत सिंपल सा, जिंक, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जिंक इज ए रिडक्टेंट, थर्ड इज करेक्ट। और क्लोरीन का हो रहा है, क्लोरीन का यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस में क्लोरीन का कुछ नहीं हो रहा बच्चों, हाइड्रोजन का यहाँ पर हो रहा है प्लस वन से जा रहा है जीरो, तो जिंक इज एन ऑक्सीडेंट नहीं, क्लोरीन एन रिडक्टेंट, हाइड्रोजन का कुछ स्टेटमेंट भी नहीं है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। सिक्सटी सिक्स विच सेट ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस पूछा है और पूछ रहा है अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देखो पी एक्स जो होता है ना, जैसे मान लो आपने ये पी एक्स लिया, तो पी एक्स ऐसे होता है आपका और पी वाई ऐसे होता है, ये पी वाई हो गया आपका, तो एक्सिस पर हो गया डेंसिटी, ये तो बिटवीन हो गया, ये भी बिटवीन आ जाएगा, ये बिटवीन हो गया फिर, तो आंसर आपका पहला फर्स्ट ही हो गया। डी एक्स वाई तो आप समझ गए, डी एक्स वाई का मतलब तो बच्चों ये है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये एक्स और वाई के बिटवीन ऐसे होता है, ये होता है डी एक्स वाई। सिक्सटी सेवन देखें अपन, देखिए इसमें अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज फोर टाइम ऑफ द अनसर्टेनिटी द मोमेंटम देन अनसर्टेनिटी द वेलोसिटी, तो आपने पढ़ा डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा पी, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों पढ़ा एक्स अपन फोर पाई, ये पढ़ा हुआ आपने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एच अपॉन फोर पाई, इक्वल और फोर पाई लिख देते हो। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है पोजीशन जो है ना फोर टाइम है मोमेंटम का, तो डेल्टा एक्स जो है वो फोर इंटू डेल्टा पी है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपना डेल्टा पी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा आपका वन अपॉन फोर इंटू एच अपॉन फोर पाई, ठीक है। अब ऐसा अंडर रूट ले लीजिए, आप अंडर रूट लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, वन अपॉन फोर आ जाएगा बाहर और एच अपॉन पाई। अब ये पी निकालना है ना आपको, डेल्टा पी निकालना है, तो इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, अंडर रूट ले लीजिए, तो ये हो गया वन अपॉन फोर एच अपॉन पाई का अंडर रूट। अब आपको पूछा है यहाँ पर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, तो डेल्टा पी होता है आपका एम इंटू डेल्टा वी, तो नीचे एम आ जाएगा आपका फोर एम आ जाएगा नीचे, ठीक है, तो ये आ जाएगा वन अपॉन फोर एम एच अपॉन पाई।
तो ये थर्ड आंसर इज करेक्ट। अनसर्टिनिटी का क्वेश्चन है सिंपल सा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई के इक्वल कर दो और ये क्वेश्चन में जो दे रखा वो बराबर कर दो। देखिए बच्चों अब हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज। देखिए हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले अपन क्या करने का, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, फिर लोन पेयर जो होता है ना वो बॉन्ड एंगल को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। एक लोन पेयर होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है 2.5 डिग्री कम हो जाता है। तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे अमोनियम है, अब यहाँ पर लोन पेयर क्या है 0 है इसमें और हाइब्रिडाइजेशन है SP3। अब आप ऐसे ही ले, आप NH3 हाइब्रिडाइजेशन SP3 है लेकिन लोन पेयर इसका 1 हो गया। अब आप ले NH2 नेगेटिव तो लोन पेयर कितने हो गए बच्चों 2, हाइब्रिडाइजेशन SP3 हो गया। तो लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ जाएगा ना आपका तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। द कंपाउंड कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, दोनों बॉन्ड पूछ रहा है। तो H2O2 की स्ट्रक्चर बच्चों आपको पता है ऐसी स्ट्रक्चर होती। तो यहाँ आपके पास देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड कैसा हो गया आपका नॉन पोलर हो गया है और ये बॉन्ड कैसा हो गया आपका पोलर हो गया। पोलर नॉन पोलर दोनों पूछ रहा है तो बोथ बॉन्ड जो है आपका इसी मॉलिक्यूल में है। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अब देखिए आपको पूछ रहा है करेक्ट द मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है तो सीधा देख लो पी में मिलना चाहिए सी, सी में पी मिलना चाहिए देख लो, ये रहा सेकेंड आंसर इज करेक्ट, सीधा पता चला। और डी में आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो आ रहा है आपका, ये भी सही आ रहा है आपका, ठीक है। और फिर आपके पास ये जो आ रहा है साइज का ऑर्डर आ रहा है और Al+3, Mg+2, Na+, ये जो आपका जेड इफेक्टिव का ऑर्डर है, जैसे चार्ज बढ़ेगा तो वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। सेकंड आंसर इज करेक्ट, 70 में सेकंड आ जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं अपन, केलोगन यूज द वाटर सॉफ्टनर। देखो बच्चों केलोगन क्या होता है, सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट होता है, ये पानी को क्या सॉफ्ट करने में आता है, जैसे हार्डनेस को अपन रिमूव करते हैं ना तो उसमें केलोगन अपन यूज के केमिकल यूज करते हैं। तो ये जो केलोगन होता है ना ये होता है Na6P6O18 होता है, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं Na2Na4PO3 का होल 6, ये होता है, इसको बोलते हैं अपन केलोगन, केलोगन बोलते हैं इसको। ये होता है सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट, ठीक है बच्चों। तो ये जब वाटर को प्योरीफाई करेंगे वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो यहाँ क्या होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम रिप्लेस हो जाएंगे अंदर वाले ये, और ये बाहर वाले वैसे पड़े रहेंगे। तो Na2Na4PO6 देख लो, ये आंसर पहला फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट आपका आ जाएगा केलोगन। नेक्स्ट अपन आते हैं,
चलिए अब विद एक्सेस वाटर ऑफ बोथ पी टू फाइव एंड पी सी एल फाइव गिव्स, देखो बच्चों चाहे पी टू ओ फाइव की रिएक्शन कराओ क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस फाइव है, और चाहे पी सी एल फाइव की रिएक्शन कराओ प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है। एच टू लेते हैं अपन एक्सिस में, तो दोनों ही केस में क्या बनता है एच थ्री पी ओ फोर बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है एच थ्री पी ओ फोर फॉस्फोरिक एसिड इन दोनों में आ रहा है, ये दोनों सही आंसर आपके, सेकेंड और थर्ड इज करेक्ट, सेकेंड थर्ड दोनों करेक्ट हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एसओ टू इज पास थ्रू एसिडिफाइड के टू सी आर टू सेवन सोल्यूशन, जब आप इसको पास करोगे एसओ टू को के टू सी आर टू सेवन में तो क्या रिएक्शन होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर के टू सी आर टू ओ सेवन एच टू एसओ फोर की प्रेजेंस में एसओ टू के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, तो क्रोमियम क्या प्लस सिक्स में होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है प्लस थ्री में जा करके, ठीक है। और SO2 जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ बन जाता है क्रोमियम 2SO4 का होल थ्राइस, ये प्लस थ्री में चला जाता है यहाँ, और ये ग्रीन कलर का होता है, ये कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है, सल्फर SO2 इज रिड्यूस, ये गलत हो गया, और ये आपका कलर हो जाएगा चेंज सॉल्यूशन, डीकलराइज नहीं होगा कलर्ड होगा, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू, तो आपका फोर्थ आंसर इज करेक्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्या होता है ये प्लस थ्री में जाता है, इसका कलर आपका ग्रीन कलर का होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा तो किसका होना है इसमें अमोनिया का, अमोनिया का क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे कम पी एच थ्री का होगा, देखो सबसे ज़्यादा होगा एन एच थ्री का, उसके बाद में आएगा एस बी एच थ्री, फिर आएगा ए एस एच थ्री, और फिर आएगा आपका पी एच थ्री, ये है बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर, और इसका रीजन हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे कम जो आएगा पी एच थ्री का, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपन, कैल्सिनेशन के ड्यूरिंग कौन सी रिएक्शन होती है। कैल्सिनेशन में बच्चों क्या होता है कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, एक होता है रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में तो क्या होता है कि सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, इसको विदाउट ऑक्सीजन अपन हीट करते हैं डायरेक्ट ऑक्साइड बन जाता है, तो फर्स्ट आंसर दिख रहा है आपको सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन आते हैं 76, मिस मेटल पूछ रहा है, मिस मेटल आपको पता क्या होता है लेंथेनोइड और प्लस आयरन और कार्बन, इनका क्या होता है मिक्सचर होता है, थोड़ा बहुत कैल्शियम सल्फर है ना ये भी होता है, और मिस मेटल का जो यूज भी आपको पता है कि ये जो माचिस जो सिगरेट वगैरह जो होते हैं उनके कवर वगैरह लैंड फ्लिंट वगैरह वो बनाते हैं इसको, तो थर्ड ये अलॉय होगा, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट, ये होता है अलॉय ऑफ लेंथेनोइड आयरन एंड कार्बन, तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट आ रहे बच्चों, डू नॉट ओबे द ई एन रूल, ई एन रूल का मतलब है नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास में आना चाहिए 18, 36, 54, ठीक है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखिए कॉपर है यहाँ, तो कॉपर में आपको दिख रहा है डायरेक्ट 29
एटॉमिक नंबर, और इसमें माइनस वन कर दिया, और लिगेंड आपके पास है चार, तो ये हो गए आठ, तो ये हो गया आपका 36। तो ये तो ईएन को फॉलो कर गया, मतलब फर्स्ट। तो सेकंड अपन देखें तो क्रोमियम जो आपके पास आया 24 माइनस, ये हो गया आपका 3, और प्लस हो गया 12, तो बच्चों ये 33 हुआ। तो ये ईएन रूल को फॉलो नहीं करेगा आपका। फिर आप चाहो थर्ड भी देख कर लो, एफई में कितना है 26 माइनस 2 × 12, तो ये 36 हो गया आपका, ये भी फॉलो कर रहा है। निकल में देख लो 24th वाला ऑप्शन में 28 माइनस, ये हो गया आपका 8+, तो ये भी 36 हो गया आपका। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? सेकंड इज करेक्ट। अब भाई बच्चों के सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है प्लेटिनियम की। तो प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है, फिक्स होती है। तो देखिए प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए, प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो प्राइमरी वैलेंसी तो हो गई 4। और प्लेटिनियम का जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स होती है कितनी? 6, 4 के अंदर। तो यह आएगा आपका 4 और 6, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि विच लिगेंड कैन नॉट शो द लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज का मतलब विच शो एम्बिडेंट लिगेंड, एनोट। देखो बता बच्चों, कार्बन सीएनएस है तो इसमें नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है, ठीक है, और सल्फर से भी अटैच हो सकता है। NO2 में हमारे पास देखो ये स्ट्रक्चर आता है, ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है, CN में कार्बन से भी अटैच हो सकता है दोनों से, लेकिन NO में नहीं होगा, NO में ये स्ट्रक्चर होता है आपका। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। एम्बिडेंट लिगेंड आपके पास थायोसाइनेट, नाइट्रो साइनाइड ये होते हैं, लेकिन NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कि एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है आपके पास। अब आइए बच्चों, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज टू Al। देखिए एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में क्या होता है, जैसे Al2O3 होता है, एल्यूमिना होता है, तो इसमें दो पार्ट आपके पास है, एक है Al+3 और एक है O-2। तो ये केटायन जो है वो कैथोड पर पहुंचेगा, कैथोड पर। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के Al में डिपॉजिट होगा, एक तो ये रिएक्शन होनी है आपकी। Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के Al में डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों। तो Al+3 ऑक्सीडाइज नहीं होगा, Al+3 रिड्यूस होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन। तो पहला तो गलत हो गया आपका, फर्स्ट रॉन्ग है। ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू Cu2, सही है। देखिए ये एनोड है ना, एनोड पर ये पहुंचेगा O-2। O-2 जो है वो O में जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, उस कार्बन से रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेता है CO, और फिर फर्दर CO2 भी बनता रहता है, इसमें दोनों चीजें रहती है। तो कहने का मतलब है एनोड पर ग्रेफाइट एनोड ऑक्सीडाइज टू Cu2, सही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन एट एनोड, हाँ चेंज होगी। तो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द ओवरऑल रिएक्शन इन इन्वॉल्व द प्रोसेस, ओवरऑल नहीं, जो एनोड पर जो है वो रिएक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो आंसर इसका बच्चों टू और थर्ड दोनों आ जाएंगे आपके, सेकेंड और थर्ड दोनों ही करेक्ट है। और अपन मोर करेक्ट देखें तो सेकेंड वैसे सही है, लेकिन थर्ड भी इनकरेक्ट नहीं है। ओके, तो हमारे आंसर दोनों, दूसरा तीसरा दोनों हो जाएंगे।
अब 81 देखिए, अब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया है, इसमें बच्चों नोमेनक्लेचर का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपको, आईयूपीएसी नेमिंग आपको लिखनी है इसमें। तो देखो ये तो आपका है क्लोरो सब्स्टिट्यूट, और ये है नाइट्रो, और ये है मिथाइल, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करो अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो नंबरिंग आप करो तो बच्चों यहाँ से 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2 और 4 ये नंबरिंग आएगी। अब यहाँ से करोगे तो 1, 2, 3, 1, 3, 4 आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, 1, 3, 4 ये गलत नंबरिंग हो जाएगी। तो ये आपकी सही नंबरिंग होगी। तो पहले 1 पे क्लोरो आ जाएगा, फिर 4 पे मिथाइल आ जाएगा, 2 पे नाइट्रो और बेंजीन। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते अपन। अब आइए 82 का क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है अपने को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, आइसोमेरिज्म पूछ रहा है, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म आप तो एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन के माइग्रेशन से होती है, टोटोमेरिज्म तो नहीं होगी। जी आई डबल बॉन्ड के देखो ये दोनों ग्रुप क्या आ गए, सेम आ गए, तो जी आई नहीं है यहाँ, सेम ग्रुप हो गए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए SP2 पर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ कायरल सेंटर बन रहा है बच्चों, एक सिंगल कायरल बन रहा है, तो ये ऑप्टिकल शो कर देगा। थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए अभी एक सीक्वेंस रिएक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें पहले एसिटिलीन दे दिया, एसिटिलीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट HgSO4 H2SO4, तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड H। फिर अगला आपके पास हो रहा है CH3 MgX और हाइड्रोलाइसिस। तो ये बच्चों देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये इस पर अटैक कर लेगा और फिर आग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 और ये आ जाएगा OH और ये है H। अब फर्दर इसका क्या ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट आएगा आपका CH3 CO CH3 एसीटोन हो जाएगा। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको पता है। एल्कोल में बच्चों कौन सा एल्कोल देता है हेलोफॉर्म के लिए ग्रुप आपके पास होता है CH3COH, ये जो कंपाउंड होते हैं ना इस तरह के वो हेलोफॉर्म देते हैं, गिव्स पॉजिटिव हेलोफॉर्म, ये पॉजिटिव एलोफॉर्म देंगे आपके पास। तो आपके पास देखो एसिटल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड देगा और एल्कोल में इथाइल एल्कोल देगा, देखो आपके पास ये सही है, और ये नहीं आएगा आपके पास, और क्योंकि आपके पास इस तरह का ग्रुप चाहिए एडजेसेंट पर, ये तो आपका हेलोफॉर्म बना लेगा जैसे CH3 बना लेगा ये, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, इसका एसिड बन जाएगा, इसका हेलोफॉर्म बन जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर ये थोड़ा सही कर लेना बच्चों, C6H5OH फिनोल है, फिनोल नहीं देगा और ये 1 डिग्री एल्कोल नहीं देंगे कभी भी एलोफॉर्म। तो आंसर फोर्थ हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं अपन। गिवन दैट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, तो देखो पहले फ्लोरो का माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है स्ट्रॉन्ग, तो पहले फ्लोरो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर फॉर्मिक एसिड आएगा आपका। तो सबसे पहले आएगा बच्चों बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा आपका डी और फिर आएगा सी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा।
बी डी और सी ए, बी डी तो ये फर्स्ट आंसर हो गया 85 का, देख लो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अब नेक्स्ट आइए बच्चों 86, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए को पॉलीमर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपको याद करने वाला सा क्वेश्चन है। बूना एस क्या होता है? ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का मिक्सचर होता है, तो दोनों क्या हो गए? को पॉलीमर आपको पूछ रहा है। एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है को पॉलीमर। को पॉलीमर में दो डिफरेंट यूनिट आएगी मोनोमर, और होमोपॉलीमर में सेम मोनोमर यूनिट आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगी? दो डिफरेंट आ जाएगी आपकी। ये तो को पॉलीमर हो गया आपका, बेकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का पॉलीमर होता है, ये भी डिफरेंट हो गया। नियोप्रिन आ जाएगा बच्चों थर्ड आंसर इज थर्ड। ये नियोप्रिन क्या होता है? एक होता है क्लोरोप्रिन और एक होता है नियोप्रिन, 2-methyl-1,3-butadiene और एक होता है 2-chloro-1,3-butadiene। ठीक है, तो नियोप्रिन आपके पास, नियोप्रिन बनेगा 2-chloro-1,3-butadiene से, एक नया रबड़ बनेगा, जो एक जैसे नेचुरल रबड़ से 2-methyl-1,3-butadiene बनता है, आइसोप्रीन बनता है। तो ये बनेगा 2-methyl-2-chloro-1,3-butadiene इसका पॉलीमर हो जाएगा ये। तो आपका थर्ड आंसर इज करेक्ट। डैक्रोन आपके पास अलग अलग है, ग्लाइकोल और प्लस ग्लाइकोल के साथ में अपन मिलाते हैं फिनोल। ठीक है, तो ये भी एक अलग हो गया आपके पास, ये भी आपका अलग हो गया है। तो डेक्रोन भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब बूना एस भी डिफरेंट हो गया, नियोप्रिन ठीक है आपका, 2-chloro-1,3-butadiene आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो ये याद करने वाला सा क्वेश्चन ही है। अब ये देखो बच्चों, राइमर टिमान रिएक्शन आ गई। राइमर टिमान फॉर्मिलेशन होता है, राइमर टिमान कार्बोक्सिलेशन होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एच आ गया, सी एल सी एल सी एल। अब ये बेस की प्रेजेंस में क्या होता है? अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है। ये होता है अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। तो इसमें क्या होगा? एक ही कार्बन से हाइड्रोजन, एक कार्बन से क्लोरीन रिलीज हो जाएगा, ये एच इसको निकाल लेगा, तो ये बनेगा सी सी एल टू। ठीक है, ये डाई क्लोरो कार्बिन बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो सी सी एल टू थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। देखो बच्चों, ये आपका है एंटी एरोमेटिक हो गया पहला तो, और एंटी में तो हाइलाइन स्टेबल होता है, ये आपका बेंजिल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। और ये आपके पास कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये आपका सेकेंड आंसर इज करेक्ट। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए, आपके पास आ रहा है एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन बनाना है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखो एसीड,
आपने लिया और एक का ले लो आप अल्फा हाइड्रोजन CH(COO)CH3, तो डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल जो है ना ये यहाँ से निकाल दीजिए और ये आपका जो प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा। अब देख लो इसमें चेक कर लो कौन सा CH3 CH, ये जो आपको दिख रहा है ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो ये नहीं होगा आपका। फिर दूसरा देखो CH3 CO CH CH3, ये फोर्थ आंसर इज करेक्ट, तो फोर्थ मिला लीजिए, इसमें फोर्थ आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों। प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का आइसोब्यूटिलिन का पूछ रहा है, तो आइसोब्यूटिलिन होता है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आइसोब्यूटाइलिन। अब इसका ऑक्सीडेटिव O3H2 की प्रेजेंस में, विदाउट जिंक कराओगे तो ऑक्सीडेटिव होगा और जिंक की प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा आपका, इधर देखिए, तो ये बनेगा आपका CH3 CO CH3। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, लेकिन ये एक कार्बन वाले का ऑक्सीडेशन होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 + H2O। तो ये आंसर आपका हो गया है, थर्ड आंसर इज करेक्ट। अब यदि मान लो रिडक्टिव पूछता ना तब आपका आंसर हो जाता फर्स्ट, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, मतलब विदाउट जिंक ऑक्सीडेटिव। नेक्स्ट हम लेते हैं देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको याद करने वाला गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीपायरेटिक, एनास्थेटिक, एनाल्जेसिक, तो एंटीबायोटिक होता है ये, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए आप, द टेक्निक यूज टू सेपरेट द क्लोरोफॉर्म और एनिलिन, सेपरेट द क्लोरोफॉर्म एंड एनिलिन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म लिख दिया, क्लोरोफॉर्म और एनिलिन को पृथक किया जा सकता है। यहाँ देखो ये लिखा है, क्लोरोफॉर्म को सेपरेट करने की टेक्निक पूछ रहा है ये, तो ये होता है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर होता है, जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे क्लोरोफॉर्म था CHCl3 और एनिलिन हो गया आपका NH2, तो इसको थोड़ा सही कर लेना आप, यहाँ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलिन दोनों आएगा, तो सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, द एल्केन विच ऑफ मोनोक्लोरिनेशन गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो आप फ्री रेडिकल बना के देख लो, 2-2, देखिए फर्स्ट में आप बनाओगे 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये आपका प्रोपेन आ गया। तो अब इसमें देखो एल्केन, बच्चों पहले 2-2 डाइमिथाइल ले लें, 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो देखो इसका तो एक ही रेडिकल बनेगा, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा मोनोक्लोरिनेशन का। सेकेंड में जाते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन, ये प्रोपेन आ गया और 2-मिथाइल प्रोपेन आ रहा है, ठीक है, तो इसके बन जाएंगे 2, और 2-मिथाइल ब्यूटेन की बात करें
ये 2-methylbutene, तो देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4 और इसके 5 बन जाएंगे आपके पास। और पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में आपके पास 3 बनेंगे, तो सबसे ज़्यादा इसमें बनेंगे आपके 2-methylbutene। थर्ड आंसर इज़ करेक्ट। तो मोनोक्लोरिनेशन ऐसे आप बना के देख लो जिसके जो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। अमोंग द फॉलोइंग विच मिथाइल हैलाइड इज द वन मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अब ये देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। CH3Cl आएगा, फिर CH3F आएगा, फिर CH3Br आएगा, CH3I आएगा। इसका रीज़न क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा डोमिनेंट होती है बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ये बच्चों वेल पॉपुलर रिएक्शन आ गई, इसको अपन बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। दोनों आपके पास जैसे दो मॉलिक्यूल इसके बेंजीन, मतलब मैं कहूँगी एल्किल एरिल हैलाइड के होते हैं तो फिटिक होती है, और एक मान लो जैसे एल्किल होता है एक एरिल होता है तो वुड्स फिटिक हो जाती, तो ये फिटिक रिएक्शन हो गया ओनली। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट गिवन द रिएक्शन, तो इसमें देखो प्रोडक्ट आपको पता चल रहा है क्या बन रहा है। जैसे आपके पास कोई भी इस तरह का है तो ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, H2 निकल जाएगा, NOH ये चीज़ होगी। तो इसमें आपके पास जो है, अब यहाँ पर जिसका मान लो जो GI शो करेगा ना, उसके दो काउंट करेंगे अपन। जैसे ये GI शो कर रहा है, GI शो करे तो अपने को दो काउंट करने पड़ेंगे प्रोडक्ट। तो देखो पहले मैं आपके पास GI शो करेगा, इसके दो आ जाएंगे, इसमें एक ही GI शो करेगा और इसमें भी एक ही आएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सेकेंड आंसर इज करेक्ट। GI के अकॉर्डिंग काउंट करने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेज ए कायरल सेंटर। देखो ये सिमेट्रिकल हो गया बच्चों, इसमें कायरल नहीं है, लेकिन ये आपके पास सिमेट्रिकल नहीं है, ये कायरल सेंटर हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। अब देखिए, 1 mole of Br2 इन द बेसिक मीडियम डिसप्रोपोर्शनेट एंड गिव्स। तो इसको आप क्या करो कि जैसे अलग अलग मीडियम में आपको दे रखा है, तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बच्चों बैलेंस कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आपके पास Br2 जो है ना, वो जाएगा Br- में, दो दो लगा दीजिए, और यहाँ पर आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन करानी है आपको। फिर दूसरा आपके पास आ रहा है Br2 जा रहा है Br-O3- में, तो 2 यहाँ आपने लगा लिया। अब आपके पास इधर बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को 6H2O, फिर आपके पास इधर आएंगे 12H। अब देखिए 2-, अब इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस कर लेते हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करोगे तो अब हाइड्रोजन आपके हो गए 12H, हो गए 6H2 उधर कर दिए, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे, इधर आपके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2- और ये 12 पूरा बैलेंस हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो आप इसको, तो इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाए, 5 Br2 इधर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो ये आपके पास हो जाएंगे
5Br2 और ये हो गया आपका 10Br। हाँ इधर 10 हो गए, ठीक है। अब देखो इधर 5 है और इधर ये हो गए, तो 6Br2 इधर हो गया आपके पास, तो 6 के अकॉर्डिंग आप जाओगे और इधर आपके पास हो जाएंगे 6Br2, 10Br और 2Br नेगेटिव, ठीक है, और 6H2। तब आप सिंपल रेशो में ले आओ 3Br2, 5Br इस तरह से लेके आ जाओ। देखो 5 और ये हो गया आपका, मैं पूरा ले लेता हूँ, ये हो गया 6Br2 एक, 10Br नेगेटिव हो गया आपका, और प्लस ये हो गया आपका 2Br3 माइनस, ठीक है। और इधर वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास हो जाएंगे 6H2O और इधर आपके पास आ जाएंगे 6OH माइनस। बस अब आप इसको थोड़ा सिंपली कर लीजिए, इधर आपका हो जाएगा ये 3Br2, ये आ जाएगा 5Br नेगेटिव, ओनली BrO3 माइनस, तो 3 से 5 आ रहा है ना, 3 मोल से, तो 1 मोल का आ जाएगा बच्चों 5/3 और इधर आ जाएगा आपका 1/3, तो 5/3 मोल Br नेगेटिव 1/3, ये आपका सेकेंड आंसर इज करेक्ट। तो बेसिक मीडियम में आप क्या रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, ब्रोमीन से पहले Br माइनस जाएगा, फिर Br2 जाएगा, BrO3 माइनस में डिसप्रोपोर्शनेट में, एक का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, एक का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बैलेंस करके और आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ BeCl2, MgCl2, SrCl2, BaCl2 इज, तो इसमें देखो मेल्टिंग पॉइंट है ना, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फैक्टर पर, सिमेट्री पर, कई फैक्टर होते हैं, तो बेरिलियम का कम होता है, बेरियम, स्ट्रॉनशियम, कैल्शियम, तो ये सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये तो याद करने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग किसमें है, तो बच्चों जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, ये याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3 होता है उसमें पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होती है। ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें देखो sp2 हो गया, इसका sp2 हो गया, इसका sp2 हो गया, इसका sp3 हो गया, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। और दूसरा आप ये भी देख लीजिए कि इनमें ये सारे दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें कार्बन ऑक्सीजन, वो सेकंड पीरियड के डी है ही नहीं, सेकंड में तो डी होता ही नहीं, थर्ड में स्टार्ट होता है, तो डी इनमें हो ही नहीं सकता, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। तो ये हमारा पेपर रहा, इजी गोइंग पेपर था, आपने अच्छा स्कोर किया होगा एक्सपेक्ट करता हूँ, और ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं फुल सिलेबस का क्वेश्चन पेपर रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।